Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटेन टेक यूट्यूब चैनल। जावास्क्रिप्ट के इस तीसरे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स के बारे में कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स होते क्या हैं और इनसे हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है या एडिशन करना है या दो नंबर्स को कंपेयर करना है या कोई वैल्यू एक इंटीजर में, एक वेरिएबल में आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, तो ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। ऑपरेटर्स एक साइन होता है, बेसिकली एक स्पेशल साइन होता है। तो अलग अलग ऑपरेटर्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और ऑपरेटर्स के लिए जो वैल्यूज़ हम पास करते हैं उनको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। जैसे यहाँ ए की वैल्यू 5 है, तो जो ऑपरेंड होगा अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ए के साथ, तो उसका ऑपरेंड होगा ए। और जो ऑपरेटर होगा वो हम यूज़ करना चाहते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेटर्स होंगे। तो बेसिकली जो ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में वो होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स। तो बिगिनर्स कोर्स में आपको सिर्फ इन्हीं ऑपरेटर्स को पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं इससे ज़्यादा, तो आप वेबसाइट्स रेफ़र कर सकते हैं और आप थोड़े एडवांस कोर्सेज में भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू 5 और बी इज इक्वल्स टू 7। तो हमने अभी तक सी में कुछ स्टोर नहीं किया है, तो सी में हम लोग ए प्लस बी स्टोर कर लेते हैं जो कि सबसे बेसिक ऑपरेटर है ए प्लस बी। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था ऑपरेटर्स के ऊपर कि ए प्लस बी क्या रिटर्न करता है नंबर डेटा टाइप में और स्ट्रिंग डेटा टाइप में। तो हम रन करके देखते हैं हमारी डेमो फाइल, तो उसका आउटपुट आना चाहिए G12 आ रहा है इसका आउटपुट, मतलब दोनों नंबर्स को इसने ऐड कर दिया है। 5 और 7 का एडिशन होता है 12, तो इसने 12 प्रिंट कर दिया। तो मुझे सारे ऑपरेटर्स बताने की ज़रूरत नहीं है, प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, डिवाइड होते हैं और मल्टीप्लाई होता है। अब देखते हैं कि डिवाइड में क्या आउटपुट आता है। जैसा कि मैंने कहा था कि जावास्क्रिप्ट में कोई नंबर डेटा टाइप अलग से नहीं होता, सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर होते हैं। तो ये देखते हैं कि इसमें क्या आउटपुट आता है डिवाइड में। तो देख सकते हैं जैसा कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही आया है, जबकि हमने एक इंटीजर पास किया था ए और बी में, तब भी आउटपुट फ्लोट में आया है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जावास्क्रिप्ट में सिर्फ फ्लोटिंग नंबर्स ही स्टोर होते हैं, उसमें कोई इंटीजर नहीं होता, उसमें कोई लॉन्ग या कोई डबल ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज़ होता है। तो ये तो हो गया बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली मैंने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं वो भी दो। तो वेरिएबल ए में मैंने क्या स्टोर किया है, 5। तो मैंने कैसे स्टोर किया, बीच में एक ऑपरेटर लगा हुआ है जो आप देख सकते हैं, इक्वल टू साइन, यही है असाइनमेंट ऑपरेटर। ए में हम एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं जो कि कोई भी टाइप की हो सकती है, नंबर्स, स्ट्रिंग और बुलियन में से। तो मैंने ए में स्टोर किया है नंबर, और वो कैसे स्टोर किया है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर से जो बीच में लगा हुआ है, इक्वल टू ऑपरेटर। अब मैं अगर कुछ एक और ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 5। अब ये क्या करेगा कि ए की वैल्यू को 5 ऐड करके ए में ही स्टोर कर देगा। तो जो पहले ए की वैल्यू थी, यहाँ जो ए की वैल्यू है ये जो यहाँ पे आएगी, ए इक्वल टू 5 में पहले मैंने ए इक्वल टू 5 लिखा, उसके नीचे मैंने लिखा ए इक्वल टू ए प्लस 5। तो नीचे वाले ए में वो वैल्यू स्टोर होगी जो ए में पहले थी, और उसके साथ जो वैल्यू हम ऐड करना चाहते हैं वो स्टोर होगी। तो ए में स्टोर होगी ए प्लस 5। जो ए प्लस 5 मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो ए की वैल्यू को ही अपडेट कर देगा।
तो अब यहाँ देखते हैं कि ए की वैल्यू क्या आती है, ए को प्रिंट करके देखते हैं कि ए में क्या स्टोर हुआ। तो देखिए ए में 10 स्टोर हो गया है, इसका मतलब ये है कि ए जो पहले 5 था उसमें हमने 5 ऐड करके ए में ही स्टोर कर दिया है। तो मतलब अब वैल्यू हो गई ए की 5 + 5 = 10। अब इसी ऑपरेशन को, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a = a + = 5। ये भी वही काम करेगा, बस जस्ट ये कोड शॉर्ट कर देगा, ये शॉर्टकट मेथड है, काम वही करेगा जो पहले वाले ने किया था। b के साथ भी अगर हम यही करते हैं, b = 7 और b + = 7। अब a और b को डिस्प्ले करते हैं कि दोनों में क्या वैल्यू आती है। तो a में आ रहा है हमारा 10 और b में आ रहा है 14। तो b की वैल्यू में भी इसने 7 को इंक्रीमेंट कर दिया है, इसको आप इंक्रीमेंट भी बोल सकते हैं, बट ये असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। जैसे प्लस होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, वैसे भी +=−=(((), ((), ((), ((), ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर्स में ही आते हैं। अब स्ट्रिंग पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर देते हैं कि स्ट्रिंग में कैसे यूज़ होता है। तो स्ट्रिंग में हमको अगर दो स्ट्रिंग को ऐड करना है तो a + b से दो स्ट्रिंग को कनकेटनेट कर देंगे, तो a + b दो स्ट्रिंग्स को कनकेटनेट कर देगा। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कनकेटनेशन क्या होता है, a + b दो स्ट्रिंग्स को कनेक्ट कर देगा, ऐड नहीं करेगा, सिर्फ उन्हें जोड़ देगा, जैसे यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो ऐसे ही आउटपुट आएंगे और सिर्फ a + b ही यूज़ होता है स्ट्रिंग के केस में, और कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर आप स्ट्रिंग में यूज़ नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ एडिशन, जैसे ये प्लस साइन है वही परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर। ए में हमने कोई वैल्यू दे दी, जैसे 5 दे दी, और बी में दे दी 4। अब एक सी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम करेंगे a> b। तो ये जो बीच में मैंने लगाया है ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है, ये ए और बी को रिलेट करेगा, या आप कह सकते हैं कि ए और बी को कंपेयर करेगा। अगर ए बड़ा होता है बी से तो सी में क्या स्टोर होगा, तो सी में एक बुलियन वैल्यू स्टोर होगी। अगर ए बड़ा है बी से तो सी में ट्रू स्टोर होगा, सी की वैल्यू हो जाएगी ट्रू। और अगर ए छोटा है बी से तो ये ऑपरेशन फॉल्स हो जाएगा, मतलब सी में स्टोर हो जाएगी फॉल्स। तो अब हम देखते हैं कि सी में, सी को प्रिंट करके देखते हैं कि सी क्या प्रिंट कराता है, सी में क्या स्टोर है। तो देख सकते हैं आपको आउटपुट आ रहा है ट्रू, मतलब ए बड़ा है बी से। अगर ये ऑपरेशन जो मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है, ये पूरा ऑपरेशन अगर सही होता है, अगर सच में ए ग्रेटर है बी से तो सी में स्टोर हो जाएगी ट्रू। अगर हम इसको उल्टा कर दें, लेस देन ऑपरेटर लगा दें, a < b, तो सी में आएगी फॉल्स। तो सी में आ गई फॉल्स। तो मतलब अगर कोई रिलेशनल ऑपरेटर को आप किसी वेरिएबल में स्टोर करोगे तो उस वेरिएबल में बुलियन वैल्यू स्टोर होगी। जैसे कि मैं कर देता हूँ a == b। अभी डबल इक्वल टू क्या भला है, तो डबल इक्वल टू भी एक रिलेशनल ऑपरेटर है। ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि a इक्वल है b से या नहीं। अगर हमने यहाँ सिंगल इक्वल टू डाला तो a में b की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते, जो कि एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो हमको यहाँ डबल इक्वल टू यूज़ करना पड़ेगा अगर हमको चेक करना है कि a = b है या नहीं। तो देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। आउटपुट अभी भी फॉल्स ही आ रहा है क्योंकि a = b नहीं है, a = 5 है, b = 4 है। तो अब b = 5 कर देते हैं और यहाँ पे एक और इक्वल टू लगा देते हैं। यहाँ मैंने 3 इक्वल टू क्यों लगाए, तो जैसे डबल इक्वल टू यूज़ होता है a और b की वैल्यू को चेक करने के लिए कि वो इक्वल है या नहीं। डबल इक्वल टू सिर्फ वैल्यू चेक करता है कि a = b है या नहीं, इन बेसिस ऑफ वैल्यू ओनली। अगर a 5 होगा, b 5 होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, ये वैल्यू के साथ साथ उसका डेटा टाइप भी चेक करता है। डेटा टाइप मतलब अगर a नंबर है और b स्ट्रिंग है और दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ अगर 5 है, तो
वो फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है, ए है 5 और बी है स्ट्रिंग, तो वो अलग ही रिटर्न करेगा। तो ये ए के वैल्यू और डेटा टाइप को बी के वैल्यू और डेटा टाइप से चेक करेगा, दोनों को चेक करेगा। अगर दोनों ही इक्वल है तो ही वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो ये हो गया हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स यही हैं, और भी होते हैं बहुत सारे, जैसे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, या फिर ए लेस देन इक्वल टू बी, अगर हमने ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी डाला तो इस केस में हमारा ट्रू ही आंसर आएगा, क्योंकि ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी है, तो यहाँ पर हमने इक्वल टू बी डाला है। तो अगर ए ग्रेटर है या इक्वल है बी से तो ये रिजल्ट आएगा ट्रू। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। ये तीनों बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। तो लॉजिक गेट्स हम अब तब अप्लाई करते हैं जब हमको कोई बुलियन वैल्यू रिटर्न करनी होती है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि कैसे डिक्लेयर करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन टाइप के होते हैं, यहाँ लिख देते हैं एंड एंड और एक नॉट। ये जो एंड एंड मैंने लिखा, एम्परसेंट दो बार मैंने लिखा, ये एंड ऑपरेटर के लिए यूज़ होता है। अगर हमको किसी दो वेरिएबल्स का एंड रिजल्ट डिस्प्ले करना है या चेक करना है तो हम ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ये जो ऑपरेटर है वो और ऑपरेटर है। जब हमको चेक करना है कि ए और बी, मतलब कोई भी अगर इक्वल टू वन है तो आउटपुट आएगा ट्रू। एंड के केस में अगर कोई भी वैल्यू ज़ीरो हो गई तो आउटपुट ज़ीरो ही आएगा, वो दूसरी वैल्यू तक जाएगा ही नहीं। ये बात भी याद रखें कि वो दूसरी कंडीशन पे जाएगा ही नहीं, दूसरी वैल्यू पे जाएगा ही नहीं। अगर पहली की वैल्यू सिर्फ ज़ीरो मिली तो कोई भी वैल्यू ज़ीरो हो एंड में आउटपुट ज़ीरो ही आता है। और इसी केस में और ऑपरेटर में अगर पहली वैल्यू वन मिल गई तो भी वो दूसरी वैल्यू तक नहीं जाएगा, वो सीधा सीधा एक वन रिटर्न कर देगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो रिज़ल्ट होता है, जो आउटपुट होता है, वो या तो ज़ीरो होता है या तो वन होता है, और कुछ भी नहीं होता। और जो नॉट ऑपरेटर का जो आउटपुट है वो होता है ट्रू या फॉल्स। तो नॉट गेट का आउटपुट होता है ट्रू या फॉल्स, और एंड और गेट के आउटपुट होते हैं ज़ीरो या वन। तो अब हम इनको इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे आउटपुट आते हैं। तो ए अगर हम एंड बी करेंगे, ए एंड बी, तो आउटपुट आना चाहिए मेरे हिसाब से वन, क्योंकि ए भी 5 है और बी भी 5 है। अब आप सोचेंगे कि ए 1 तो नहीं है, बी 1 तो नहीं है। तो अगर कोई भी वेरिएबल में ज़ीरो स्टोर नहीं है, ज़ीरो के अलावा कोई भी वैल्यू को वो 1 ही कंसिडर करता है। जैसे ए में मैंने 5 डाला या 5000 डाला या 5 लैक्स डाला, तब भी वो सारे के सारे 1 ही होंगे, जब तक ए 0 नहीं होता तब तक। तो हम ए एंड बी करते हैं, बी भी 5 है, तो मेरे हिसाब से आउटपुट आना चाहिए 1, क्योंकि दोनों वैल्यूज 1 ही हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो आउटपुट आया है वो 1 ही आया है, लेकिन ये 1 है दोनों की वैल्यूज़। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो भी आप डालो 0 के अलावा वो एज अ 1 ही कंसिडर होता है। तो यहाँ भी 5 1 ही है, आउटपुट 1 ही आया है, लेकिन जो वैल्यू आई है वो ए की आई है या फिर बी की आई है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। अब यहाँ कर देते हैं दोनों की वैल्यू अलग अलग, तब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट आया 6। आउटपुट 6 इसलिए आया क्योंकि जो लास्ट वैल्यू थी, जो सबसे बड़ी वैल्यू थी, वो सी में स्टोर हो गई। तो आउटपुट सी में जो आया वो 6 आया। यहाँ पर अगर हम बी को 5 करते हैं और ए को 6 करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आउटपुट आएगा 5, क्योंकि इसने लास्ट वैल्यू को ही असाइन किया है। कोई भी वैल्यू छोटी हो या बड़ी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो लास्ट वैल्यू है, जो ए एंड बी में जो बी की वैल्यू है वही स्टोर हो जाएगी सी में, क्योंकि ए 1 निकला तो वो दूसरे वैल्यू तक भी गया, इसीलिए बी की वैल्यू स्टोर हो गई सी में। अब हम इसमें थोड़ा डिफरेंट करते हैं, ए को 0 ले लेते हैं। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट 0 आना चाहिए, तो देखिए आउटपुट 0 आ रहा है।
क्योंकि एंड गेट में कोई भी वैल्यू अगर ज़ीरो हुई तो पूरा ऑपरेशन ही ज़ीरो हो जाता है। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर पहली वैल्यू ज़ीरो हो जाती है एंड गेट में तो दूसरी वैल्यू तक वो जाएगा ही नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम बी में कोई ऑपरेशन लगा देते हैं, बी प्लस इक्वल टू फाइव। अब देखते हैं कि पहली वैल्यू ज़ीरो हुई तो बी की वैल्यू आखिर में क्या आती है, तो बी को भी हम यहाँ पर डिस्प्ले करा देते हैं। अब बी में आना चाहिए फाइव, जबकि मैंने बी में इंक्रीमेंट किया है फाइव, तब भी बी फाइव ही आना चाहिए। तो चलिए इसमें उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, तभी आउटपुट देगा। तो चलो हम इसको सेव कर देते हैं अब, और फिर से रन करते हैं। तो देखिए आउटपुट आ रहा है ज़ीरो और फाइव। इसका मतलब ये कि जो मैंने कहा था ए अगर ज़ीरो हुआ तो इसने बी वाले ऑपरेशन को एग्जीक्यूट ही नहीं किया, डायरेक्ट उसने बी को फाइव ही प्रिंट किया है, या वो इस ऑपरेशन तक वो गया ही नहीं। जैसे ही उसने ए ज़ीरो देखा, पूरा का पूरा आउटपुट ही उसने ज़ीरो कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा एंड गेट। अब आते हैं और गेट के ऊपर। और भी वैसे ही काम करता है, बस जस्ट उसका उल्टा काम करता है। ज़ीरो ज़ीरो में तो वो ज़ीरो ही देगा, लेकिन अगर कोई इनपुट आता है वन, पहला इनपुट अगर वन आ गया तो वो दूसरे तक जाएगा ही नहीं, सीधा सीधा आउटपुट दे देगा वो वन, या जो वैल्यू उसकी पहले है, जो ए की वैल्यू है वही प्रिंट कर देगा। तो देखते हैं अब यहाँ पे डिस्प्ले आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट आ रहा है फाइव और फाइव। तो जो ए की वैल्यू थी वही उसने प्रिंट कर दी, और बी तक वो गया ही नहीं, क्योंकि अगर वो इस ऑपरेशन तक गया होता तो बी की वैल्यू हो जाती 10, लेकिन आउटपुट आ रहा है 5। तो इसीलिए जो वैल्यू उसने पहले देखी वही उसने डिस्प्ले कर दी, ए की वैल्यू जो कि 1 थी। ये हो गया हमारा और गेट। अब आते हैं नॉट गेट पे। तो जैसे कि हम यूज़ कर रहे थे एंड गेट और गेट में दो ऑपरेंट्स, दोनों में दो दो ऑपरेंट्स यूज़ होते हैं, लेकिन नॉट गेट में ऐसा नहीं है। नॉट गेट में सिर्फ एक ही वेरिएबल या एक ही ऑपरेंड यूज़ होगा, और उसका आउटपुट आएगा या तो ट्रू या तो फॉल्स। और अगर ए वन है तो आउटपुट आएगा नॉट के केस में फॉल्स, क्योंकि अगर हम नॉट करते हैं तो हम वन को ज़ीरो कर देते हैं, तो हम इनपुट को इन्वर्ट कर देते हैं। मतलब अगर इनपुट है वन तो नॉट अगर हम उसका करेंगे तो आउटपुट आएगा ज़ीरो, और उसी केस में अगर इनपुट है ज़ीरो तो उसका नॉट करने पर आउटपुट आएगा वन। तो इस केस में अगर हमारा ए वन है या फाइव है तो हम उसका नॉट करेंगे तो आउटपुट आएगा ज़ीरो और डिस्प्ले होगा फॉल्स, क्योंकि नॉट गेट का जो आउटपुट होता है या तो बुलियन या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है बुलियन वैल्यू। तो यहाँ देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए आउटपुट आ रहा है फॉल्स, क्योंकि ए वन है उसको इन्वर्ट करके हमने ज़ीरो कर दिया, तो इसलिए आउटपुट आता है फॉल्स। यहाँ पर हम ए ज़ीरो कर देते हैं। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अब आउटपुट आ रहा है ट्रू। तो अब समझ गए कि ए को हमने इन्वर्ट कर दिया तो आउटपुट आ गया वन। तो ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब एक और ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। एक स्पेशल टाइप का कंडीशनल ऑपरेटर होता है। जैसे कि मैंने वेयर सी किया, इसमें मैंने लिख दिया ए ग्रेटर देन बी। अब अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ट्रू स्टोर होगा या तो फॉल्स स्टोर होगा। आप हमें ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए कि सी में ऐसी वैल्यू स्टोर हो जो इस कंडीशन पर डिपेंड करती हो। मतलब अगर ए ग्रेटर है बी से तो हमको या तो ए स्टोर करना है सी में या तो बी स्टोर करना है। शायद आपने अगर इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो इफ़ एल्स में भी यही काम करते हैं। अगर इफ़ में हम डालेंगे ए ग्रेटर देन बी तो हम कुछ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, और एल्स में कुछ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट हम तब देखेंगे जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आएंगे, जो कि बात की बात है। अब यहाँ हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो हम ऑपरेटर पे ही सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो ऑपरेटर यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो है टर्नरी ऑपरेटर, जिसका सिंटैक्स होता है क्वेश्चन मार्क और कॉलन। सिर्फ क्वेश्चन मार्क और कॉलन इसका सिंटैक्स है, ये कोई पूरा एक कमांड नहीं है। अभी मैं इसको ऐसे ही प्रिंट कर दूंगा तो एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें कोई भी और आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है। तो जो हमको चेक करना है, जो कंडीशन हमको चेक करनी है, वो सबसे पहले हम डालेंगे ए ग्रेटर देन बी। अगर ए बड़ा है बी से तो उसको चेक करो,
कि ए बड़ा है बी से, इस ए ग्रेटर देन बी, उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क के बाद हमको अगर कंडीशन के ट्रू होने पे जो भी वैल्यू स्टोर करनी है वो हम यहाँ लिखेंगे, और अगर ये कंडीशन जो ए ग्रेटर देन बी है ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी तो जो वैल्यू स्टोर होगी सी में वो हम यहाँ लिखेंगे। इसको सिंपल वे में समझाने के लिए ऐसा समझ लीजिए, इसके अंदर आएगी कंडीशन जो हमको चेक करनी है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और यहाँ हम वो वैल्यू स्टोर करेंगे जो कंडीशन के ट्रू होने पे आएगी। तो इसमें मैंने क्या किया है, मैंने एक कंडीशन चेक की है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करती है, मतलब अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है, तो जो वैल्यू मैंने यहाँ लिखी होगी वो स्टोर हो जाएगी उस वेरिएबल में, यानी कि सी में। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पर लिखा ए ग्रेटर देन बी, तो इस केस में हमारा ए ग्रेटर देन बी नहीं है, तो जो वैल्यू स्टोर होगी सी में वो होगी बी की वैल्यू जो मैंने यहाँ लिखी है। कंडीशन के फॉल्स होने पे जो मैंने कंडीशन जो मैंने वैल्यू यहाँ लिखी है वो स्टोर हो जाएगी सी में। तो अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। आउटपुट आना चाहिए 5। तो देख सकते हैं क्या आउटपुट आ रहा है 5। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो वैल्यू मैंने बाद में लिखी है वही स्टोर होगी सी में। अब इसको उल्टा कर देते हैं, ए लेस देन बी कर देते हैं। अब ये कंडीशन हो गई ट्रू, क्योंकि बी बड़ा है, 5 बड़ा है 0 से, तो अब कौन सी वैल्यू स्टोर होगी सी में, जो वैल्यू मैंने पहले असाइन की थी कंडीशन के ट्रू होने पे, ए। तो आउटपुट देखते हैं क्या आता है। आउटपुट आ रहा है 0, जो कि ए की वैल्यू है, तो हमारा आउटपुट आया सही, और ये ए की वैल्यू स्टोर हो गई सी में क्योंकि कंडीशन थी ट्रू। तो सिमिलरली आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें टर्नरी ऑपरेटर से, इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। इससे आप कोई भी दो नंबर्स में से बड़ा नंबर फाइंड कर सकते हैं, कोई भी तीन नंबर में से बड़ा नंबर फाइंड कर सकते हैं, जितने भी नंबर्स आपको दिए हों उसमें सबसे बड़ा नंबर फाइंड कर सकते हैं इसी ऑपरेटर की मदद से। एक और स्पेशल ऑपरेटर बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर, टाइप ऑफ वेरिएबल नेम। तो टाइप ऑफ करता क्या है, जैसे कि उसका नाम है टाइप ऑफ, तो ये जो वेरिएबल होता है जिसको ये आर्ग्यूमेंट लेता है, जो वेरिएबल इसके आर्ग्यूमेंट में जाएगी उसका टाइप, उसका डेटा टाइप रिटर्न करेगा ये। तो जैसे कि मैंने टाइप ऑफ लिखा, टाइप ऑफ यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ सी, तो हमको यहाँ पे मिलेगी सी का डेटा टाइप, तो हमको ये सी का डेटा टाइप रिटर्न करेगा। जो टाइप ऑफ फंक्शन है उसमें जो सी की डेटा टाइप है, जो आर्ग्यूमेंट, जो वेरिएबल हमने इसमें पास किया हुआ है उसका डेटा टाइप। तो अभी इस केस में हमारा सी का डेटा टाइप जो है वो है नंबर, क्योंकि हमने यहाँ कोई स्ट्रिंग नहीं लिया है, हमने यहाँ कोई बुलियन नहीं लिया है। तो हमारा जो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए नंबर। तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट आ रहा है नंबर, क्योंकि जो टाइप है, जो डेटा टाइप है सी का, वो है एक नंबर है। सिंपली मैं यहाँ पे अगर बी लिख देता हूँ, सी इक्वल टू बी, तो भी आउटपुट आएगा नंबर, क्योंकि सी भी एक नंबर ही है, क्योंकि सी में जो वैल्यू है वो बी की है जो खुद एक नंबर है। तो अब आप समझिए कि टाइप ऑफ करता क्या है। एक और हम यहाँ पर कंडीशन देखते हैं कि बी को एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ए को भी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ए को छोड़िए बी को ही एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, तो बी में जो वैल्यू है जो कि स्ट्रिंग है वही सी में स्टोर हो रही है। इसलिए जो टाइप ऑफ सी का रिजल्ट होगा वो होगा एक स्ट्रिंग। तो आउटपुट आया हमारा स्ट्रिंग, क्योंकि सी एक स्ट्रिंग है। अब देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि नॉट ऑपरेटर का जो आउटपुट होता है वो या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, मतलब जो आउटपुट उसका होता है वो एक बिलियन वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम नॉट गेट अप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ बुलियन आता है या नहीं, आउटपुट में बुलियन आता है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आउटपुट में बुलियन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो नॉट गेट का आउटपुट होता है वो सिर्फ एक बुलियन वैल्यू होती है जो कि सी में स्टोर हो गई। सी में या तो ट्रू स्टोर हुआ होगा या तो फॉल्स स्टोर हुआ होगा,
बट जो डेटा टाइप है सी का वो एक बूलियन है। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर ऐसे काम करता है, अगर आप किसी का डेटा टाइप डिस्प्ले करना चाहते हैं, किसी वेरिएबल का डेटा टाइप डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो मेरे ख्याल से इतने बेसिक ऑपरेटर्स काफ़ी हैं बिगिनर्स ट्यूटोरियल में, बिगिनर्स कोर्स में। मुझे लगता है मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया है इन सब ऑपरेटर्स को। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियोस और कोर्सेज के नेक्स्ट पार्ट्स आपको मिलते रहें और इसके नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। तो आज के लिए तो इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।